बच्चों को गंदी आदतों से कैसे बचाए, इसके बारे में बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं साइकियाट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूं और मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। बच्चों को गंदी या गलत आदतों से कैसे बचाए या कैसे दूर रखे, ये वीडियो में अभी चर्चा करने वाला हूं। और इसके बारे में आपको कुछ सवाल होंगे तो डॉक्टर केळकर यह ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आप फ्री चैटिंग करके आपके सवाल आप लिख सकते हैं, आपके जवाब मिल जाएंगे। हमारा ऐप है, वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करो डॉक्टर केळकर करके। बच्चों को गंदी आदतें या बुरी आदतें जो लगती है तो वो एक अटेंशन सीकिंग फेनोमेना है, मतलब बच्चों के ऊपर ख्याल जाना चाहिए, ऐसा एक बर्ताव बच्चों का वो होता है। अब बच्चों को ऐसा क्यों लगता है कि भाई उनके तरफ ख्याल जाना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स ख्याल देते नहीं माँ बाप, इसलिए क्योंकि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, पढ़ाई कर रहा है, स्कूल बराबर जा रहा है, अच्छी आदतें हैं, खाना टाइम पे खा रहा है, तो फिर माँ बाप क्यों ख्याल देंगे। ये उसमें प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ क्रिएट किया हुआ, तो फिर सबका ख्याल जाता है कि अरे अभी क्या करना है। जब बच्चों को घर में अप्रिसिएशन नहीं मिलता, प्रशंसा नहीं होती, प्यार नहीं मिलता, बच्चों का कम्युनिकेशन, बच्चों के साथ में कम्युनिकेशन संवाद ठीक नहीं रहता, तो बच्चों को अकेला अकेला महसूस होता है, उनको अकेलापन लगता है, उनको लगता है कि अपने को घर में सुनते ही नहीं है। माँ बाप को क्या चाहिए, माँ बाप को चाहिए कि अच्छे मार्क आना, उसने अच्छे मार्क लाना चाहिए, बस उनको वही चाहिए, बाकी नहीं कुछ चाहिए। मगर अच्छे मार्क लाया मतलब कोई, मतलब एक टॉपर बन गया, मतलब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपको बिल गेट्स मालूम है कि वो स्कूल फॉल आउट था, स्कूल से निकल गया था, सचिन तेंदुलकर 12th पास। एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कि एक क्लास में समझो टॉपर जो लड़का है ना, वो टॉप कर रहा है, 90% 95% मार्क मिला रहा है, तो क्या करेगा, वो एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, और अच्छा डॉक्टर बन के एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर या डीन बनेगा। और जो लास्ट में बैठा हुआ था ना लड़का, जो आखिरी के बेंच पर था, हो सकता है कि वो पब्लिक में जाएगा, इलेक्शन लड़ेगा, चुन के आएंगे और हेल्थ मिनिस्टर बनेगा, जिसके अंडर ये टॉपर लड़का काम करेगा। क्योंकि वो जो लास्ट बेंच बैठने वाला जो लड़का था, उसको मालूम है पीपल्स मैनेजमेंट। आजकल महत्व का क्या है, पीपल्स मैनेजमेंट, खुद का स्किल डेवलप करो, स्कूल का टेक्निकल, खुद का टेक्निकल स्किल डेवलप करना और बहुत मार्क लाना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ 3% लोग, 3% लोग, उनको पीपल्स मैनेजमेंट जानता है और इसलिए वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। 97% लोग, उनको टेक्निकल मैनेजमेंट है, खुद के ऊपर काम करते, खुद का स्किल, खुद की पढ़ाई, उसके ऊपर काम करते हैं, और वो किसके अंडर उनको बाद में काम करना पड़ता है। तो फिर बड़ा होना है तो बच्चों के ऊपर माँ बाप ने के प्रेशर डाल के पढ़ाई करो ज़्यादा मार्क लाओ, इसके बदले बच्चों के ऊपर ख्याल देना, अटेंशन देना, वो कहाँ जाते हैं कहाँ जाते नहीं हैं, दिन भर में क्या करते हैं, किसके साथ में उठते बैठते हैं, उनके दोस्त कौन हैं, बाहर बाहर क्यों रहते हैं, माँ बाप का क्यों नहीं मानते, हम उनके साथ में खेलते हैं, उनके साथ में बातचीत करते हैं, प्यार देते हैं, कंपैशन है, करुणा है, तो बहुत अच्छा अटैचमेंट बच्चों के साथ में होगा। बच्चों के साथ में सिर्फ कम्युनिकेशन इसलिए नहीं करना कि पढ़ाई कर, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें उसके लिए कम्युनिकेशन करना पड़ता है। और कम्युनिकेशन करना, संवाद करना, इसका मतलब ऐसा नहीं कि बक 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 करके उनको एडवाइस देते जाना। कम्युनिकेशन में दो बातें होती है, एक है लिसनिंग, मतलब मैं लिसन कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ बच्चा क्या बोल रहा है, मेरी लिसनिंग, और दूसरा होता है मेरा बोलना सामने वाले के लिसनिंग में, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो लिसन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको महत्व का है क्या, उसको फायदे का है क्या, वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, तो उसका लिसनिंग और मेरा लिसनिंग, उसमें कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन में सबसे पहला महत्व का जो है वो है लिसनिंग, सुनना। बेटे को यदि आप सुनते हैं, बच्चों को सुनते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमारे माँ बाप सुनते हैं हमारे, उनको स्कूल में क्या तकलीफ हुई, उनको पढ़ाई में क्या तकलीफ है, उनको बाकी बच्चे क्या बोलते हैं, उनके साथ में कैसा बर्ताव करते हैं, उनको क्या कठिनाइयाँ आती है, उनका टाइम कैसा बिताते हैं, वो स्पेयर टाइम में क्या करते हैं, तो वो सब उनको यदि हम देखते हैं, उनके साथ में कम्युनिकेशन करते हैं, तो बच्चे इधर उधर जाएंगे नहीं, बैड हैबिट्स उनको लगेंगे नहीं। और जैसे ही आपको बैड हैबिट के बारे में मालूम पड़ता है कि बैड हैबिट लगी हुई है, किसी ने बोल दिया कि नहीं आपका बच्चा तो पान टपरी पे दिखा था, या पान खाते हुए दिखा था, या सिगरेट पीते हुए दिखा था, तो लाइटली न लेते हुए, चिल्लाना चीखना न करते हुए, पहले असलियत क्या है मालूम कर लेना पड़ेगा। और असलियत क्या है मालूम करने के बाद में फिर उसके साथ में बैठ के समझाना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा वो ऐसे लाइन पे क्यों लग गए। बच्चों को माँ बाप के साथ में यदि बहुत फ्रीडम है बात करने का, और वो कुछ भी बोल सकते हैं माँ बाप को, कुछ भी,
और उनको मालूम है कि वो कुछ भी बोलेंगे तभी उनको पनिशमेंट न दी जाएगी, तो फिर वो कुछ भी बोलेंगे। यदि बच्चों को मालूम है कि माँ बाप के साथ में वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी, और माँ बाप सुन लेंगे और माँ बाप उनको पनिशमेंट देंगे नहीं, तो फिर क्या होगा, वो दोस्त के साथ जैसे बात करते वैसे ही करेंगे। हमारे घर में हमने ये किया था मेरे बच्चों के लिए कि आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी गलती किया तभी आप बोल सकते हो, आपको फ्रीडम है, सिर्फ इतना ही है कि दोबारा वो गलती मत करो। तो बच्चों को ये मालूम है तो वो फ्रीली अपने पेरेंट्स के साथ में बातचीत करेंगे, फ्री रहेंगे, छुपाएंगे नहीं और गलत आदत उनको लगेंगे नहीं। ये भी आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी पेरेंट्स लोगों को शेयर करो, बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, स्पेशली एडोलेसेंट एज जब आता है, युवावस्था, उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं। ये वीडियो देखने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू वेरी मच।